वेलकम टू माय चैनल मंजू का छोटा संसार। और मैं आज बनाई हूँ नेस्ट यानी घोंसला चाट, जो बच्चों को बहुत ही पसंद है और डिलीशियस भी है। आप इसका कलर देख सकते हैं और इसमें दो अंडे भी रखे हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन चाट, आप इसे ज़रूर बनाइए और ट्राई करें। इसके लिए वो हमें पतली वाली सेवई की ज़रूरत होगी। मैंने आलू उबाल के रख लिया है, इसमें प्याज, हरी मिर्च, मैंने आलू को मसल लिया है अच्छे से, उसमें लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार, प्याज कटिंग करके जो रख ली थी एक प्याज, और मैं इसकी टिकिया बना लूंगी। इसको मसल के टिकिया बना लें। मैंने टिकिया बना ली है इस तरह से, और अब मैं इसे फ्राई करूंगी। गैस पर मैं कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें दो चम्मच तेल डालूंगी। मैंने टिकिया को डाल दिया है डीप फ्राई होने के लिए। टिकिया फ्राई हो रहा है, अब ये फ्राई हो चुका, मैं अब इसे निकाल लूंगी। देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है, कितना बेहतरीन। अब मैं इसे निकाल ली हूँ प्लेट में, देखिए ये कितना क्रिस्पी है। अब फिर मैं बड़ी कढ़ाई चढ़ाऊंगी, उसमें मैं दो चम्मच तेल डाल दूंगी, दो बड़े चम्मच तेल, ताकि सेवइयाँ अच्छे से फ्राई हो सके। अब मैं इसमें सेवइयाँ डालूंगी पतली वाली, थोड़ा थोड़ा करके दो तीन बार डालना होगा। देखिए ये आसानी से फ्राई हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ब्राउन कलर फ्राई करना है। इसको चलाते रहें, उलट पलट करते रहें ताकि जले नहीं। ब्राउन हो चुका है, हम इसे प्लेट में निकाल लूंगी और भी मैं तल लूंगी जितनी जरूरत है। देखिए मैंने तल लिया है और निकाल ली हूँ प्लेट में। अब मैं दूसरी प्लेट ले ली हूँ, अब इसका मैं डेकोरेशन करूंगी। मैंने सवैया रख ली है प्लेट में, अच्छे से घोंसला के आकार, नेस्ट के आकार में इसको उस तरह से रखना है। पतली पतली सेवइयाँ को इसे मैं रख ली हूँ। देखिए उसके बाद आलू की टिकिया मैं डाल दी हूँ ऊपर से, जो मैंने डीप फ्राई किया था। इमली और इमली की चटनी है, इसे भी गाढ़ा डाल रही हूँ ताकि ये गले नहीं। दही है, गाढ़ी दही भी डालना है दो चम्मच, इमली की चटनी भी स्वाद अनुसार। दही को चारों ओर से फैला दें। अब इसमें रेड चिली डालूंगी सॉस, वो भी अपने स्वाद अनुसार। और मैंने चिड़िया के घोंसले में अंडे के लिए मैंने पनीर को ले लिया है। पनीर को गोल आकार में करके मैं दो अंडे का शेप दे दूंगी। अब मैं इस पर भुजिया डालूंगी, आलू भुजिया, प्याज कटिंग करके डालना है। अब हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए, चाट मसाला डालना है, काला नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर स्वाद अनुसार, इसे और भी अच्छे से डेकोरेट कर लें। एकदम घोंसला के आकार होना चाहिए, नेस्ट का आकार होना चाहिए ताकि अच्छा लगे देखने में। बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतरीन है ये। शाम के वक्त बच्चों को दे सकते हैं नाश्ता, बड़े भी खा सकते हैं। अब इसे धनिया से डेकोरेट कर लूँगी, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अच्छे से सजा लूंगी मैं। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, देखिए आप इसको।
घोंसले में दो अंडे के आकार लग रहा है एकदम, कितना अच्छा देखने में नेस्ट चार्ट। आप भी बनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।